Nice. Are you sure about that? हाँ जी, की हाल चाल? तो गाइस, पूरे 1.5 साल बाद मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई। हो गई, बैच। बहनों और भाइयों, बहनों, नॉट तो जिनको नहीं पता उनको मैं इसकी थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो तकरीबन 1.5 साल पहले YouTube ने मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे अपने सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े। उनमें से कुछ वीडियो ऐसे थे जिन पे 3-4 मिलियन व्यूज थे। तो वीडियोस डिलीट करने से मेरे चैनल पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा। चैनल की रीच 99% कम हो गई और चैनल के व्यूज जो एक टाइम पे 55 मिलियन थे, वो आज की डेट में 1,35,000 हो गए। और मेरे लिए ये बात इतनी डिप्रेसिंग है कि आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि जितने मेरे चैनल पे इस टाइम टोटल व्यूज है, उससे 5 गुना ज्यादा व्यूज एक दिन में आ जाते थे। बस बहुत हो गया ये रोना धोना। अगर आपको मेरे YouTube जर्नी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, बना लेंगे थोड़ा सा। और माँ कसम, इसकी मूवी से अच्छी और इससे ज्यादा स्ट्रगल मिल जाएगा। Excuse me? तो आओ यार, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। तो आज हम बात करेंगे ऑटो ट्यूनिंग कक्कर, AKA ए परफेक्ट रोस्ट मटेरियल के बारे में। सच में यार, कंट्रोल योर लैंग्वेज, सॉरी, सच में ऑटो ट्यूनिंग कक्कर इतना रोस्ट हो चुका है कि टिकटॉक से आए रोस्टर भी इसको 2-2 बार रोस्ट कर चुके हैं। ऑटो ट्यूनिंग कक्कर इतना रोस्ट हो चुका है कि एक रोस्ट मटेरियल भी इसको रोस्ट कर चुका है। इतना रोस्ट होने के बाद मैं क्या ही रोस्ट करूं इसे? तो हम करेंगे कुछ डिफरेंट, अलग, अद्भुत। तो हम करेंगे ऑटो ट्यूनिंग के गानों की अनबॉक्सिंग। निकल लो। रिव्यू। तो टॉर्चर स्टार्ट होता है गाना स्टार्ट होता है इस लाल गाड़ी से। गाड़ी का कलर याद रखना, आगे वीडियो में काम आएगा। तो इस गाड़ी से उतरते हैं ऑटो ट्यूनिंग कक्कर और इसके 3 चड्डी बड़ी। वैसे म्यूजियम क्लोज का साइन बोर्ड लगा है, लेकिन ऑटो ट्यूनिंग कक्कर भी लाइक नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। और बूम, घुस गए अंदर। फिर आगे ऑटो ट्यूनिंग कक्कर को दिखता है एक लेडीज सूट और ये हो जाता है उसे अट्रैक्ट। और ये देख के इसके चड्डी बड्डी भी लाइक, बक्साला टिकटॉकर। और ये तीनों इसको अकेला छोड़ के गाना शुरू होने से पहले ही कट लिए। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। तो आगे ऑटो ट्यूनिंग कक्कर को दिखता है एक पुराना कैमरा और वो जाके उसको पकड़ लेता है। वेल, इतना तो सभी को पता था कि म्यूजियम में किसी भी चीज को हाथ लगाने वाले की उंगलियां काट देते हैं, फिर बल्लाल देव देवसेना को बंदी बना लेता है। और फिर बहुबली आता है, बोलता है म्यूजियम की किसी भी चीज को हाथ लगाने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। आप कहानी में आगे चले गए हैं। Are you sure about that? फिर आगे ऑटो ट्यूनिंग कक्कर उस कैमरे से देखता है, उसको दिखती है सिद्धार्थ शुक्ला की जोरू शहनाज की। मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है। मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। द पॉइंट इज दिस कि शुक्ला की जोरू उसको बस कैमरे में दिखती है, बिग बॉस वाली आदत गई नहीं अभी तक। तो इससे आगे की स्टोरी लौंडा अपने दिमाग में सोचता है, जहाँ पे ये हवा में उड़ रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वेल, अगर लड़के के दिमाग में स्टोरी चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। तो गाने के लिरिक्स हैं, अब टाइम आ गया जो आपको वीडियो के शुरू में बोला गया था, गाड़ी का कलर याद रखें। okay. काली गड्डी, काले शीशे, काला ऐनक पाया काला, चंडीगढ़ तेरे करके आया, नहीं था रिंदा सी अंबाला। चंडीगढ़ वालों, बंदा अंबाला छोड़ के चंडीगढ़ आ गया है, क्या कहना चाहोगे? मुंडा मैं पंजाबी, कुड़ियां कहंदी लाला लाला, हां कुड़ियां कहंदियां ला 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 ला, जुत्ती मार दे सिर च। कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला काला काला, कुर्ता पजामा काला काला काला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लखा विच एक है मिठी जिवें केक है, तू कुड़ियां दी क्वीन है, बाकी सब फेक है। मैं चोरी चोरी तकदा सोना कोका तेरे नक दा, करदा तरीफा फैन तेरे लक दा, तेरे लिए मैं छड़ता सोनी बर्गर अंडे वाला। अच्छा हुआ अंडा छोड़ दिया भाई, किसी बिग बॉस वाली से अंडा मांग के तो देखो। मनोज सर, एक एग्जाम्पल दियो जरा। मैं ऑमलेट खाऊंगा, चिल्ला रहा हूं, क्या करेगा? मैं अंडा बनाऊंगा, बना के दिखा चल। और हमें नहीं पता तो चोरी चोरी क्या दिखता है, क्योंकि कोका तो उसने पूरे गाने में कहीं भी नहीं पहना। I don't know. Oh, shit. Here we go again. कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला काला काला, कुर्ता पजामा। अरे बस कर, रुक क्यों नहीं रहा है? टोनी 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 कक्कर, आहा आहा, ये कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला।
इस गाने में एक बात अच्छी है, वो है इसका एंड, और फाइनली एंड में ये काला कुर्ता पजामा पहन लेता है, वो भी ऐसे जादूगर है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, ये वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा अलग था, तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए और किस गाने और किस वीडियो पे चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दो, कर लेंगे थोड़ा सा। और हाँ, अगर आपका अंगूठा सैफ की तरह नहीं कटा तो उस अंगूठे से लाइक दबाओ अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।